सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें ये देखा जा सकता है कि कैसे एक युवक सेना में भर्ती होने के लिए रात को नोएडा की सड़कों पर दौड़ की प्रैक्टिस कर रहा है। सोशल मीडिया पर जिसने भी इस वीडियो को देखा उसने युवक के हौसले की जमकर तारीफ की। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे लड़का अपने कंधे पर बैग टांगे हुए है और सड़क पर तेजी से दौड़ रहा है। रात के 12 बजे युवक को इस तरह दौड़ते वीडियो बनाने वाले शख्स ने उसे लिफ्ट देने का ऑफर किया, लेकिन युवक ने मुस्कुराते हुए इनकार कर दिया और कहा कि वो दौड़ते हुए ही अपने घर तक जाएगा। ऐसा वो इसलिए कर रहा है ताकि वो नौकरी करने के दौरान भी सेना में भर्ती की तैयारी को पूरी कर सके। सुनिए उस युवक से जब न्यूज एजेंसी एनआई ने बातचीत की तो उसने क्या कुछ कहा है। मैं दिल्ली को आने वाला था, मम्मी की तबीयत खराब हो गई, मम्मी को लेके मुझे दिल्ली को आने पड़ा और अब यहाँ पे मम्मी का इलाज और मेरा जॉब जो चल रहा है वो साथ में चल रहा है और प्रैक्टिस मैं आर्मी की कर रहा हूँ। तो इसी चक्कर में किसी ने मेरी वीडियो बनाई और मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, बहुत लोगों ने उसको प्यार दिया और बहुत सारे लोगों ने उसको मतलब मोटिवेट किया मुझे और मैं खुद मोटिवेट हुआ उन लोगों से और मेरी वजह से बहुत लोग मोटिवेट हुए। तो उन लोगों को मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये बताइए मैकडी में आप कब से काम करते हैं और क्या काम करते हैं वहाँ? मुझे अभी एक महीना पूरा न्यू है, मैं अभी वहाँ प्रो हूँ। अच्छा, तो ये बताइए कब से इस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं आर्मी की, कब से दौड़ लगा रहे हैं इस तरह से? गांव में जब तक था तो वहाँ तो बचपन से यही प्रैक्टिस करते आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ यूपी में 3 महीने मुझे आए हुए हैं तो मैं 3 महीने से मतलब यही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ऑटो वाले से पूछा तो 10 किलोमीटर बताते हैं, आप पता है एग्जैक्टली कितना है ये, मतलब एक्यूरेट पता है ये, वैसे 10 किलोमीटर बताते हैं। बस रात को ही मिल पाता है टाइम, को रात को लगा पाता हूँ, सुबह फिर खाना वाना बनाना होता है तो रात सुबह हो नहीं पाता इतना। और आपकी मम्मी कहाँ है? मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है दिल्ली। जिन जिन के मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ उनके कमेंट पढ़ के मुझे ना मतलब बहुत अंदर से मोटिवेट हो रहा हूँ, मैं खुद मोटिवेट हो रहा हूँ और वो मुझे बोल रहे हैं कि हम भी आपकी वीडियो देख के बहुत मोटिवेट हो रहे हैं, आपकी वीडियो प्रेरणादायक है। लेकिन मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि उनकी वजह से मेरी वीडियो जो है सब लोगों तक पहुँची है। अब इस युवक के लिए कई तरह से मदद की हाथ बढ़ाई जा रही है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर सतीश दुआ ने कहा है कि इस युवक का जोश प्रशंसनीय है। उन्होंने कर्नल ऑफ कुमाऊ रेजिमेंट लेफ्टिनेंट जनरल राणा से, जो ईस्टर्न आर्मी के कमांडर है, उनसे बात की है और बताया है कि वो अपने रेजिमेंट में इस युवक को भर्ती करने के लिए उसकी ट्रेनिंग के लिए हर जरूरी कदम को उठाने वाले हैं।